आपका भाई पहुंच चुका है सीनरी खूबसूरत वादियों में। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और भाई को चैनल सब्सक्राइब करें, भाई को यार ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और अगर कोई भाई के श्रीनगर से जम्मू जाते तक बन के हो जाएंगे तो भाई केदारनाथ की ट्रिप प्लान करेगा यार। तो रहा दो यार, जल्दी से भाई के बन के भाई को सपोर्ट करो यार। तो हेलो गाइस, सबसे पहले आप सभी को एक अर्जुमेंट से प्यार से गुड मॉर्निंग। आपका होस्ट और आपका दोस्त आज एक नई वीडियो के साथ। अभी आप लोग देख सकते हो मैंने सेफ्टी गियर वगैरह पूरे पहने हुए हैं, बाजू में लेग में अपनी हेलमेट पड़ी है, बैग पड़ा है। अभी सुबह के 6 बज चुके हैं, अभी आप लोग देख सकते हो कल बारिश की वजह से मैं नहीं निकल पाया। तो अभी 4 मिनट कम है 6 बजने के लिए, तो अभी मैं निकल रहा हूँ श्रीनगर के लिए। तो प्लीज़ बाइक की जर्नी इंजॉय करो, बाइक को फुल सपोर्ट करो यार ज़्यादा। सीवी ना पूरे मलबे के बीच में दब गई है, देख सकते हो यार आप लोग। हुंडई की जैसी, मतलब बंदा पता नहीं बचा होगा या नहीं। अभी हम लोग जो भी देखते हैं ना कि राइडर वगैरह के टायरों में मिट्टी लगी है रेड कलर की, वो जहाँ से ही लगती है भाई। 5-10 मिनट लेट हो जाएंगे, कोई चक्कर नहीं, हमें टनल में ओवरटेक नहीं करना बस। तो हेलो गाइस, सबसे पहले एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग आप सभी को अर्जुन की तरफ से। तो आपका होस्ट और दोस्त हाजिर है को नई वीडियो के साथ। पहले तो मैंने प्लान किया था कि मैं कल ही निकल जाऊंगा, पर कल यार शाम को ना बारिश वाला मौसम हो गया था, तो घर वालों ने निकलने नहीं दिया घर से। तो अभी मैंने अपने दोस्त फ्रेंड है मेरा एक शिवा, वो तालाब तिल्लों में रहता है, अभी मैं उसी को पिक करने जा रहा हूँ, वो मान गया मेरे साथ जाने के लिए। और कोई भी फ्रेंड जो है मेरा नहीं मान रहा था, मानने था एक दो, पर उन्होंने बाद में ना जवाब दे दिया, मतलब मना कर दिया, बोलते हम नहीं जा सकते यार, फैमिली ने मना कर दिया। पर आज शिवा भाई से बात हुई है तो वो भी मान चुका है, तो अभी मैं उसी को पिक करने जा रहा हूँ। तो चलो पिक करके बताते हैं आपको फिर हम। अभी अपना भाई शिवा भाई आ चुका है यार, जो भी फ्रेंड था सिर्फ श्रीनगर का नाम सुन के मतलब कि वो बोल रहा था, मैं सोच के बताता हूँ। और बताओ शिवा भाई। चलो ठीक है भाई, निकलते हैं। अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकल चुकी है, अभी मिलते हैं आपसे सीधा रास्ते में यार। अभी आप 5:30 में, तो अभी मैं यहाँ से ना अपने मीटर की रीडिंग पूरी फ्यूल 0 करूँगा, तो अभी पूरा बताएंगे कि श्रीनगर 1 साइड जम्मू से टोटली कितना दूर है बाय रोड। अभी जहाँ से हमारी मीटर की रीडिंग 0 हो चुकी है और जहाँ से होती है हमारी जर्नी स्टार्ट हाईवे की, हाईवे दूर है पर जहाँ से मतलब यार आप लोग सुबह का व्यू चेक कर सकते हो। ऐसे सुबह जल्दी जल्दी ना उठने जाता है, समय डेली ना 9:30 बजे उठता हूँ। और आज शिवा भाई को मैंने शाम को बताया तो शिवा भाई ने फ़ोन किया और आपका भाई निकल चुका है यार, स्पेशली आप लोगों के लिए एक ट्रिप मारने, वो भी श्रीनगर की। तो यार एक बार मॉर्निंग का व्यू चेक कर सकते हो आप लोग। पहाड़ों की खूबसूरती एक्सप्लोर करने निकल चुका है आपका भाई यार। और ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है, तो सेकंड एपिसोड में हम श्रीनगर की ब्यूटी शेयर करेंगे आपसे। नहीं, ये मेरा फर्स्ट एपिसोड है, फर्स्ट एपिसोड में मैं आप सभी को बताऊंगा कि जम्मू से श्रीनगर जाते समय कहाँ कहाँ रुकना है, क्या क्या करना और क्या क्या नहीं करना, ठीक है। और सेकेंड एपिसोड में मैं आपको बताऊँगा कैसे हम लॉग इन करते हैं जोमेटो में, कैसे हम काम करते हैं, सी डी वगैरह। और थर्ड एपिसोड में मैं आप सभी को बताऊंगा श्रीनगर की ब्यूटी एक्सप्लोर करेंगे। तो आगे का प्लान अभी पक्का नहीं, मैं कह सकता कि ले जाने का भी अभी हम सोच रहे हैं, तो अभी ये तो उधर जाके पता चलेगा। सुबह के लगभग 7 बज चुके हैं, तो अभी हम निकल चुके हैं, अभी हम 5:30 वाले रोड पे ही हैं। तो अभी हम देखते हैं कितना टाइम लगता है, फर्स्ट टाइम है और शिवा भाई फर्स्ट टाइम ही जा रहा है। चलो कोई नहीं, फिर भी आप वीडियो में यार लास्ट तक बने रहो, भाई पूरी फुल जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला है। और यार भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ठीक है। और यार सुबह का व्यू चेक कर सकते हो यार आप लोग। फाइनली आपका भाई पहुंच चुका हाईवे पे और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट गाड़ियाँ जा रही हैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, कान में जाती है टूरिस्ट के जो श्रीनगर के लिए जा रही है, तो यार हम भी आ ही रहे हैं। तो यार सुबह का व्यू चेक कर सकते हो यार आप लोग। और कितना मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ यार, भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो यार प्लीज़, क्योंकि आपका भाई का चैनल भी ग्रो कर जाए यार श्रीनगर जाने के साथ साथ। और स्पेशली यार आप लोग ये सोचो कि जब मतलब कि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जॉब लगती है ना, तो वो परेशान हो जाता है कि यार मैं श्रीनगर नहीं जाऊँगा ड्यूटी करने। एक मैं अकेला ऑल ओवर इंडिया में ऐसा इंसान होऊंगा जो जम्मू से स्पेशल, जम्मू से क्या ऑल इंडिया से स्पेशली श्रीनगर
काम करने जा रहा हूँ वो जमाटो में, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। हो सकता है किसी भी राइटर ने जो ऐसा एक्सपीरियंस जो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया हो, और मैं तो बिल्कुल ही लोकल मार्केट के पीछे भी जाके काम करना है, मार्केट के अंदर जाके काम करना है, लोगों से भी मिलना है, जो कि लोग कहते हैं यार बड़े सारे जम्मू के बंदे हैं जो बोलते नहीं जान रहे यार सर खतरा है वहाँ पर, नहीं यार आपका भाई आ रहा है बाइक। तो गाइस जहाँ पे आप लोग उसके जम्मू का सबसे बड़ा जू बंड है, अभी ओपनिंग नहीं हुई है इसकी, जब भी ओपनिंग होगी तो आपका भाई इसकी भी पूरी फिल्म वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करने वाला है यार। अभी हम नगरोटा वाली साइड से जा ही रहे थे तो सामने से हमें एक बुफैलों का झुंड दिखाई देता है, और इनकी वजह से रोड पे थोड़ा थोड़ा जाम भी हो चुका है यार, मतलब अगर इनको भी जाना तो ये भी रोड से ही जाएंगे बेचारे। तो गाइस जो भी जम्मू का बंदा अगर वो इस पॉइंट को नहीं जानता, मतलब ये नगरोटा का सेल्फी पॉइंट, अभी हम जहाँ पर पहुँच चुके हैं अभी हम सोच रहे कि जहाँ पर रुके हैं जाना और तो भी जहाँ पर खड़े होकर भाई शिवा भाई से पूछते हैं। तो गाइस जहाँ से स्टार्ट होता है अपना बन टूल प्लाजा, तो आगे चेकिंग वगैरह चल रही है मेरे को भी लगता है पुलिस वालों की, और जहाँ पे पड़ चुका है बहुत बड़ा खड्डा, और अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ से बन टूल प्लाजा, तो करते हैं जल्दी से बन टूल प्लाजा क्रॉस। मतलब जहाँ पे टोल काटा जाता है पर जहाँ पे बाइक का टोल नहीं काटा जाता है, हम ऐसी बात कर रहे हैं, कल बोल रहे हैं कुछ कम टोल काटा आप लोगों ने। ओ भाई ट्रक को देखो यार, बिना इंडिकेटर के चल लिया। मतलब जहाँ पे इन्होंने कंडा लगाया अपना ट्रक वगैरह का भेड़ किया जाता है वहाँ जहाँ पे, तो फिर उसी हिसाब से इनका टोल काटा जाता है। ये भी ठीक है, मैं डर गया, मैंने सोचा पता नहीं इधर से पहाड़ी से जो नीचे बोल रहे हैं, पर नहीं यार वहाँ से ना उनका बेट किया जा रहा है ट्रक का, फिर बेट के हिसाब से इनका अगर जितना ओवरलोडिंग होगा उसी हिसाब से इनका टोल लग गया। और यार पूरा माता वैष्णो देवी के मतलब कटरा से नगर एक्सप्रेस हाईवे का ट्रैक, अभी तो हाईवे बन चुका है तो उस रोड को कम ही यूज़ करते हैं लोग। अभी सामने हमारे आएगी 3 टनल्स, अगर हम तीनों टनल क्रॉस करेंगे, मतलब कि टनल्स वगैरह बनने से ना तो पहाड़ी इलाके में सफ़र काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मतलब कि शॉर्टकट हो गया रास्ता श्रीनगर जाने के लिए कटरा जाने के लिए। देख सकते हो हम पहली टनल में घुस चुके हैं, जहाँ भी लाइट वगैरह जो भी है ऑन नहीं है, लाइट बंद है जहाँ पे, क्योंकि तो सुबह सुबह दिन का मौसम है, लाइट वगैरह बंद रखते होंगे सुबह सुबह। अभी इसके आगे फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं दूसरी टनल में, और जहाँ पे आप लोग देख सकते हो लाइट वगैरह ऑन, और इसका व्यू देख सकते हो आराम से, येलो लाइट है लगी यहाँ पे, जैसे पुराने बल्ब नहीं लगे होते थे घरों में पुराने 15 से 20 रुपये वाले, अभी LED आ चुके हैं यार, अभी ऐसे वाले बल्ब आ रहे हैं ऐसे। मतलब ये लंबी टनल है, दो छोटी छोटी थी ये लंबी टनल आती है। बस अपनी लाइन में चलते रहना है, इधर उधर नहीं करना लेफ्ट राइट कुछ भी, क्योंकि पीछे से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आ रही होती है, लोड कर के ट्रक वगैरह आ रहे होते हैं। गाइस अभी हमने तीनों टनल क्रॉस कर लिया है, तो अभी हम मिलते हैं आपको आगे जाके। सर जहाँ भी ना नेशनल हाईवे पर ट्रकों को रोका जाता है, तो मेरे को लगता है आगे कोई लैंडस्लाइड वगैरह, जहाँ कल बारिश भी हुई थी जम्मू में, उसी की वजह से इनको रोका गया है, काफ़ी ज़्यादा लंबा जाम लगा है। पीछे 1 किलोमीटर से हम आए हैं तो काफ़ी ज़्यादा ट्रक्स खड़े हैं, अभी हम भी देखते हैं आगे जाके कि आगे कहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ और कहाँ तक रोके हैं यार ट्रक, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें यार। सामने से आप लोग व्यू चेक कर सकते हो एक बार, मॉर्निंग टाइम का व्यू है,
और आपका भाई स्पेशली आप लोगों के लिए एक राइड प्लान की थी। तो पहले मैं सोच कल बारिश आ गई तो एक फ्रेंड बोलता नहीं यार तू रहने दे नहीं जा सकता, कहाँ श्रीनगर जा रहा है पागल हो गया। मैंने बोला नहीं यार अगर प्लान किया है तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से यूट नहीं बोलूँगा यार, जाना है तो जाना है मेरे पास। यहाँ पे एक इंडियन ऑयल का ट्रक जा रहा है, भैया ने शायरी लिखी पीछे लाइफ इज़ वन टाइम ऑफर यूज इट वेल। तो यार काफ़ी अच्छी शायरी है ये भी भैया ने लिखी है यार, लाइफ इज़ वन टाइम ऑफर यूज इट वेल, लाइफ इज वन टाइम ऑफर यूज इट वेल। वाह यार हमें दिखाई दे रही है त्रिकुटा पर्वत की पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ मतलब माता वैष्णो के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं यार सामने से। और भाई क्या ही कहूँ, क्या नेक्स्ट लेवल व्यू आ रहा है यार यहाँ पे। वो कहते हैं ना अगर जन्नत है कश्मीर, अगर जन्नत कहीं है धरती पर तो वो जम्मू में है या कश्मीर में है, वो हमें यहीं से महसूस होना स्टार्ट हो चुका है यार। अगर उससे गाड़ियाँ आ रही हैं जम्मू की तरफ जहाँ पे जाम लग चुका है, आगे पता नहीं कोई चेकिंग वगैरह चल रही है तो उसी वजह से जहाँ पे लंबा जाम लग चुका है। और अभी हम जा ही रहे हैं जगह का पंगियाल पहुँच चुके हैं हम अभी जहाँ पे जाम लग चुका है। तो पहले एक जे पहाड़ी छोटी थी, दूसरी उससे थोड़ी बड़ी है, तीसरी उससे भी बड़ी है। हाँ क्या सामने एक उससे आज अभी हम लोग जखैनी पहुंच चुके हैं। तो जहाँ से चनैनी है 21 किलोमीटर, पत्नीटॉप है 45 किलोमीटर, डोडा 110 किलोमीटर, रामबन 48 किलोमीटर और श्रीनगर 186 किलोमीटर है यहाँ से 186 किलोमीटर, और ले है यहाँ से 616 किलोमीटर। तो अभी जहाँ से हमारी जर्नी दोबारा स्टार्ट हो गया, जहाँ हम आगे जाकर रेस्ट करेंगे चाय वगैरह पीने की सोच रहे हैं, वो बताते हैं फिर आपको हम चाय वगैरह कहाँ पर पीते हैं। लोग ना पहाड़ियों का व्यू चेक कर सकते हो, मतलब कि ये क्लास ऑसम व्यू भी है यार। वो जन्नत अगर बसती है तो वो कश्मीर में बसती है। लैंडस्लाइड इसलिए होती है क्योंकि पहाड़ है यहाँ पे, रोड पे यहाँ पे मिट्टी का पहाड़ है पूरा पूरा, जैसे बारिश आती है मिट्टी नीचे गिरना स्टार्ट होती है, उसी की वजह से रोड बंद हो जाता है और लैंडस्लाइड स्टार्ट हो जाता है। बारिश से दूसरी बारिश से लैंडस्लाइड स्टार्ट हो जाता है। ये जहाँ पे रास्ते में जाम स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि आगे गाड़ियाँ जा रही हैं, जहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह हो गया है, रात को बारिश वगैरह हुई थी कल, उसी वजह से मेरे को लग रहा है लैंडस्लाइड की वजह से जाम वगैरह लग गया। तो सामने पहाड़ गिर चुके हैं, जेसीबी वगैरह लगी है, उसको ट्रैक्टर में लोड वगैरह कर रहे हैं, तो इसी वजह से जाम वगैरह लगना स्टार्ट हो चुका है। अभी हम सुबह जल्दी निकले थे जाम से बचने के लिए, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है यार। देखो तो कितने बड़े बड़े पहाड़ यहाँ पे गिर चुके हैं, गिर चुके हैं या तोड़ रहे हैं। ओ भाई जहाँ से मिट्टी भी आना स्टार्ट हो गई, अब मतलब कि डबल रोड बनाने के लिए पत्थर तोड़े जा रहे हैं और मिट्टी कर दी इन्होंने, पाउडर लगा दिया, हम पाउडर लगाना भूल गए थे तो बस ने और गाड़ी ने हमें पाउडर लगा दिया। थोड़ा बोलते आप पाउडर लगाना भूल गए तो चलो यार पाउडर ही लगा देते हैं। और जहाँ भी अपने आर्मी के जवान वगैरह आ चुके हैं, पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं लोग, CRPF के जवान भी खड़े हैं, मतलब कि हाई सिक्योरिटी है यहाँ पे भी। तो गाइस यहाँ पे दोबारा से लैंडस्लाइड हो चुका है, देख सकते हो कितने बड़े बड़े RCC वगैरह भरी गई थी और टूट गई है, मतलब ये जहाँ पे देख सकते हो आर्मी की कानवाई भी जा रही है, हम बीच में घुस गए हैं। और भाई जो लोकल बस वाले हैं मतलब कि बड़ी तेज आते हैं यार, मिट्टी उड़ा रहे हैं बस। देख भाई आर्मी के ट्रक से ही पास कितनी जल्दी, आर्मी वालों से भी ज़्यादा जल्दी है बस वाले को। दोबारा से लंबा जाम लग चुका है, कम से कम 1.5 किलोमीटर,
और यार जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि दोबारा कोई आगे से लैंडस्लाइड वगैरह हो गई है, तो हम जा ही रहे हैं, बस शॉर्टकट वगैरह मारे जा रहे हैं, बीच से साइड साइड से निकले जा रहे हैं। अच्छा अच्छा यहाँ से कच्चा रास्ता आ गया गाइस, और जहाँ पे यार पहाड़ी मिट्टी के हैं तब भी टाइम लग रहा है। भाई फौजी जवान बोल रहे हैं रुक जा भाई। अच्छा जहाँ पे वो पुल वगैरह टूट गया या बना रहे होंगे ना यार, तो यहाँ से ना टर्न लेके थोड़ा नीचे जाना पड़ रहा है। भाई पाउडर देखो यार, पाउडर फ्री में पाउडर मिल रहा है। तो गाइस ये पुल बन रहा है, मतलब कि अभी इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसलिए वहाँ से उन्होंने ना डिवर्जन कर दिया रोड को। जब दे बन जाएगा आसान हो जाएगा थोड़ा। और भाई यहाँ की ब्यूटी है ना, मतलब ठंडा मौसम है। गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं, अभी हम पहुंच चुके हैं कुछ इस तरह की लोकेशन पे, इधर पहाड़ है एक तरफ और जहाँ पे टोल प्लाजा आ गया है। मेरे को लगता है जो चेन्नई वाली टनल है वो यहीं से स्टार्ट हो रही है। जैसा कि आपको पता ही है बाइक का टोल नहीं लगता, तो अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से। गाइस अभी हमने 9 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है, तो अभी देख सकते हो हम एग्जिट पॉइंट पे आ चुके हैं यार। और यार जहाँ पे आते ही मौसम की करवट, मतलब कि मौसम चेंज हो गया यार, आप लोग देख सकते हो यार अभी ठंड लगना स्टार्ट हो गया है। पहले तो टनल के अंदर ही ठंड लग रही थी, अभी हमें ठंड लग रही है यार यहाँ में, मतलब ठंड लगना स्टार्ट हो चुकी है अभी हमें यार। मैं सोच रहा हूँ कि जैकेट वगैरह ना पहन लें। अभी देखते हैं आगे जाके कहीं जैकेट वगैरह पहनते हैं, रुकते हैं तो जैकेट वगैरह पहन लेंगे। काफ़ी ज़्यादा ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ऊंची पहाड़ियों से टनल निकली है यार। और जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी भाई, एकदम से टनल क्रॉस करते ही ना मौसम ने करवट बदल ली, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि अभी ठंड लग रही है, मतलब कि यहाँ से ठंड लगना स्टार्ट हो चुकी है। मतलब कि जैसे कि हमने एकदम से टनल क्रॉस करी, अभी हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि हम किसी एसी वाले रूम में पहुँच चुके हैं और उसका टेम्परेचर से ना 15 मार के चलो आप। और गाड़ी वाले बिना देखे ब्रेक लगाए जा रहे हैं, ना लेफ्ट देखना ना राइट देखना है, बस जहाँ मन किया ब्रेक लगा देने, पीछे देखना ही नहीं है कोई आ रहा है ना ही आ रहा है। अभी गाइस जहाँ से स्टार्ट होता है सिंगल रोड मेरे को लग रहा है, हाँ क्योंकि जहाँ पे अभी ना अभी डबल रोड की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो जहाँ से अपना सिंगल रोड स्टार्ट हो चुका है अभी भाई हमें चलना पड़ेगा ध्यान से,
रिपोर्ट कह रही है ट्रक वगैरह काफ़ी स्पीड से आ रहे होते हैं, तो ओवरटेक करने से बचेंगे। तो गाइस जहाँ पे काफ़ी लंबा जाम लग चुका है यार, डबल रोड बन रहा है, अभी सिंगल रोड भी फिलहाल गाड़ी चलवा रहे हैं। तो यार मतलब कि क्या बताएं अभी आपको, सिंगल साइड से गाड़ी छोड़ी जा रही है, वाइट आंटी वाले भाई ने इंडिकेटर लगा लिया है, हम भी सो जाएंगे बीच में बढ़ जाएं। तो भाई जहाँ पे हमें मिल रहा है पाउडर फ्री में, और भाई सामने नज़ारा देख सकते हो आप लोग, आर्मी की कॉन्वॉय भी जा रही है और हम भी जा रहे हैं, जहाँ पे पहाड़ देख सकते हो पत्थरों पत्थरों में, और राइडर भाई भी जा रहे हैं। हैं फड़े फड़े होंगे ना। तो गाइस जहाँ पे राइडर भाई आ चुके CH मतलब चंडीगढ़ पंजाब नंबर भाई, ये भी पंजाब AMH महाराष्ट्र। तो गाइस हमें जहाँ पे राइडर भाई लोग मिल चुके हैं, तो अभी हम भी जा रहे हैं, इनको फॉलो करेंगे, अभी हम इनके पीछे पीछे जाएंगे। भैया इनकी बाइकें बड़ी बड़ी हैं यार, ये कहाँ हमें मारने वाले में से हैं। बस अभी कोशिश है कि इनको फॉलो करें हम, ये वाले भी डोमिनार पे हैं, आगे वाले भी मेरे ख्याल से डोमिनार नहीं हिमालय है उनके पास। तो गाइस भाई जहाँ भी चक्कर दे सकते हो राइडर भाई जा रहे हैं, हम भी इनको फॉलो करेंगे अब भाई, अभी हम भी पीछे नहीं रहेंगे, वो बात अलग है कि बाइक बड़ी है बंदे की, जहाँ पे तो हमारी ब्रेक भी काम नहीं कर रही है, स्लिप हो रहे हैं टायर। अभी हम लोग जो भी देखते हैं ना कि राइडर वगैरह के टायरों में मिट्टी लगी है रेड कलर की, वो जहाँ से ही लगती है, और सामने देख सकते हो चार राइडर भाई जा रहे हैं, बाकी सभी एक एक ही हैं, पीछे वाले भाई ने ना दो बंदे हैं, तो अभी हम भी दो हैं, हम भी इनको साथ साथ जा ही रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं भाइयों को यार। और जहाँ से हमें फ्री में पाउडर मिलना स्टार्ट हो चुका है दोबारा। तो गाइज आप लोग अगर बाइक को अच्छी अच्छी सपोर्ट करो यार, बाइक को जल्दी से बाइक बन के करवा दो यार, श्रीनगर ट्रिप पे बाइक बन के करवा दो, अगर 50K होते हैं तो भाई आपका सोच रहा है RS कुछ लेने के लिए, भाई राइटर भाई तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ स्पीड से जा रहे हैं।